जय हिंद गाइस। आज मैं जब अपना YouTube देख रहा था तो YouTube पे जब मैं देख रहा तो उसमें एक वीडियो देखी मैं, जिसमें TikTok के बारे में कुछ बता रहे थे। तो जब देख रहा था तो उस टाइम सोचा कि नहीं यार, ऐसे ही होगा कुछ फेक। तो उस चीज़ को मैंने वेरीफाई करने के लिए प्ले स्टोर पे गया, और तो जब मैंने प्ले स्टोर पे जाके देखा कि नहीं यार, ये चीज़ तो सच में ही है। आज आज से 4 दिन पहले जब टिकटॉक की रेटिंग 4 पॉइंट कुछ थी, तो आज प्ले स्टोर पे टिकटॉक की जो रेटिंग है वो है 1.3, 1.3। पिछले कल भी मैं देख रहा था, पिछले कल टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो थी 2.0। कुछ एक चीज़ें दिल को थोड़ा सुकून दे देती है। नहीं यार, मैं इस ऐप को गलत क्या बोल सकता हूँ, वो तो आप लोगों को पता ही है। ये एक ऐसा ऐप है जिसे अमेरिका ने बैन कर दिया है, इंडिया ने भी बैन किया था, उसके बाद टिकटॉक के जो भी है उनने थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके दोबारा से इस चीज़ को चालू किया। इसके बाद जब कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हुई, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा भूचाल आ गया कि उसने और टिकटॉक को इतना बैकफुट पे खड़ा कर दिया कि उसकी रेटिंग इतने पीछे तक आ गई। बहुत सारी वीडियो देखी और आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। जितने भी क्रिएटर है वो भी बोल रहे हैं कि जो टिकटॉक है वो आपकी प्राइवेसी लीक कर सकती है, ना उसमें डिसलाइक का कोई ऑप्शन है, ना इसमें कोई नॉट इंटरेस्टेड का कोई ऑप्शन है, कुछ नहीं है। जो भी कंटेंट आप देखना, आप नहीं भी देखना चाहते, आपको वो भी दिखाया जा रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो इस चीज़ की, इस ऐप की जो रेटिंग इतने नीचे तक आ गई, ये और भी नीचे आ सकती है। जितना हो सके कुछ एक लोग तो इसको उतना वो नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा क्या बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद खुद टिकटॉक को पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि जो टिकटॉक है वो एक चाइनीज़ ऐप है, जो चाइनीज़ जो ये जो उनका जो दिमाग है ना, ये खुरापाती है, ये उल्टे सीधे कांड करते रहते हैं। ये कुछ ऐसा कांड कर सकते हैं कि पता नहीं लगेगा कि नहीं यार क्या हो गया, क्या कर दिया, बंदे को हक्का बक्का कर सकते हैं। टिकटॉक ने जो क्वार्टरली रेवेन्यू जो बनाया था वो इन्होंने सितंबर तक 100 करोड़ का रखा था, लेकिन क्या करें, कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट होने के बाद उनके सारे के सारे रेवेन्यू पे पानी फिर चुका है। अगर आपके फ़ोन में भी टिकटॉक है तो आपको खुद पता है कि आपने क्या करना है। बाकी मैं इसमें ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, बट मैं आज तक ना टिकटॉक इंस्टॉल की है, ना आज तक मैंने टिकटॉक देखी है। जो भी उसमें कंटेंट आते रहते हैं पर उनको देख के मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ देखनी चाहिए या इंस्टॉल करनी चाहिए या यूज़ करनी चाहिए। बाकी आप लोगों का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद उस चीज़ को देख सकते हो या कर सकते हो। आपने जो भी करना है वो आपका अपना माइंड है, आप क्या कर सकते हैं। तो ठीक है जी।